नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉयल इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के दो बड़े सुपरस्टार के बारे में जो आज हाल ही में आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। दोस्तों आज हम उस खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बात करेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कदम रखते ही आसमान छूने लगे थे। दोस्तों ये वो बड़े दो सुपरस्टार हैं जिनका बोलबाला भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चलती है। आज हम उस खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बात करेंगे जिनके बदौलत अगर वो अपने दम पर चाहे तो हजारों हजार की संख्या में बिहारियों को अपने दम पर रोजगार दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरा इन दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों आपस में न लड़ झगड़ कर बिहार और बिहारियों की तरक्की के बारे में सोचें। आज बिहारी दूसरे राज्य जाने पर मजबूर क्यों है? आज बिहारी दूसरे राज्य जाते हैं तो उनको बिहारी जैसे शब्द से गुजरना पड़ता है। आज फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आप लोगों के दोनों के फैंस आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसका कारण है पवन सिंह द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने का। आप दोनों बिहार के वह दो बड़े सितारे हैं जो बिहार के भविष्य बदल सकते हैं। तो मैं दोनों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप दोनों आपस में मिलजुल कर रहे और बिहारी और बिहार के बारे में सोचें, ताकि हमारा बिहार भी दूसरे राज्य जैसे आगे की ओर बढ़े। ऐसे आपस में लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरे राज्य के इंडस्ट्री वाले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पर भरा बुला कहेंगे। तो आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप दोनों बिहार के बारे में सोचें और बिहार के तरक्की की ओर बिहार को ले जाए। मैं आप लोगों को इस छोटे से चैनल के माध्यम से अगर भला बुरा कहने की कोशिश की हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक ला जय।